एवरीवन, वेलकम टू चैनल इन्फो कैप्सूल। मैं सारिका मौर्य इन्फो कैप्सूल के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स का, बहुत तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जानेंगे जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है उसका आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर, ये क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स एंड मीडिया ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मतलब कि जो हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोटोकॉल और डेटा के प्रसारण के मीडिया को मतलब फिजिकली और लॉजिकली डिज़ाइन करते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले नेटवर्क आर्किटेक्चर की, जिसका नाम है पीयर टू पीयर। इसको हम लोग पी टू पी भी बोल सकते हैं। पीयर टू पीयर क्या होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर विद इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा। मतलब कि जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है वो एक ऐसा नेटवर्क है जो सभी कंप्यूटर्स को या डेटा को समान रूप से अधिकार देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है डाटा को प्रोसेस करने की। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज़ यूजफुल फॉर द स्मॉल एनवायरमेंट्स, यूजली अप टू 10 कंप्यूटर्स। मतलब कि जो हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो छोटे एनवायरमेंट के लिए यूजफुल है, मतलब जहाँ पर 10 कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, ये हम लोग इस बात में पढ़ सकते हैं। तो पीयर टू पीयर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ सकता है। देन पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। मतलब पीयर टू पीयर में कोई सर्वर नहीं होता है, मतलब जो अगर 10 कंप्यूटर जुड़े हैं तो वो आपस में जुड़े रहेंगे, कोई उसमें केंद्र सर्वर नहीं होगा। स्पेशल परमिशन आर असाइन टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज। मतलब संसाधनों को शेयर करने के लिए हर एक कंप्यूटर को अपनी मतलब अलाउ किया जाता है। देन एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर, मतलब कि जो हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और हर एक कंप्यूटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इट इज़ लेस कॉस्टली एट इज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। मतलब कि ये काफ़ी सस्ता होता है या कम खर्चीला होता है, क्योंकि इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। अगर सर्वर लगेगा तो वो बहुत मतलब कॉस्ट लेगा, इसलिए इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। इफ़ वन कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट स्टॉप वर्किंग। यहाँ पे मतलब कहा गया है कि अगर जो है हमारा जो कंप्यूटर है कोई एक बंद हो जाता है या कार्य करना बंद कर देता है तो और कंप्यूटर जो है काम करना नहीं बंद करेंगे। ये क्या है, इसका एडवांटेज है। इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ। मतलब कि इसे मेंटेन रखना ईजी है, क्यों, क्योंकि हर एक कंप्यूटर अपने को खुद ही मतलब प्रतिबंधित करता है। देन हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के। इन द केस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन द सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब कि यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता है, देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डाटा एज द डाटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। मतलब कि इसमें कोई सर्वर नहीं होता है, इस वजह से हम लोग डाटा का बैकअप नहीं ले पाते हैं, अलग अलग जगह पे डाटा हमारा सेव नहीं रहता है, इस वजह से क्या होता है हमारे डाटा लॉस्ट भी हो सकता है। ये क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क का एक डिसएडवांटेज है। इट हैज़ अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इज मैनेज्ड इटसेल्फ। मतलब कि हर अपने डिवाइस खुद को मैनेज करती है, इसलिए इसमें एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आती है। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क के डायग्राम की, मतलब कैसा ये दिखता है। मान लीजिए यहाँ पे 5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर्स को नोड भी कह सकते हैं। तो ये कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, मतलब हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा रहता है। ये क्या है, पी टू पी का आर्किटेक्चर है। मतलब हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़ा रहता है और फाइलों को शेयर कर सकता है। देन हम बात करेंगे दूसरे नेटवर्क की, ये हमारा है
क्लाइंट सर्वर मॉडल, हम इसको क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग्स वीडियोज एक्सेट्रा फ्रॉम अ सेंट्रल कंप्यूटर नोन एज सर्वर। मतलब कि जो हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है वो क्या है, यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्वर भी होता है। पीयर टू पीयर में क्या था, हमारा कोई सर्वर नहीं था, सब अपना अलग अलग काम करते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर्वर का यूज़ करेंगे। मतलब क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या है, हमारा सर्वर का यूज़ होता है। देन द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज द सर्वर व्हाइल ऑल द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट्स। मतलब कि जो हमारा सेंट्रल कंप्यूटर होता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं, और जो उसके साथ में और कंप्यूटर जुड़े रहते हैं उसको क्लाइंट्स कहते हैं, या फिर आप उन्हें नोड भी बोल सकते हैं। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। मतलब जो सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो सर्वर के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, सर्वर के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। देन अ सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, बहुत सारे ऑपरेशंस करता है, जैसे कि सिक्योरिटी, सुरक्षा से रिलेटेड, और नेटवर्क को मैनेज करता है। अ सर्वर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल, डायरेक्टरीज, प्रिंटर एक्सेट्रा। मतलब कि जो हमारा सर्वर होता है वो क्या करता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मतलब कि प्रिंटर और जितने भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको मैनेज करता है। देन यहाँ पे एडवांटेज ऑफ क्लाइंट सर्वर, मतलब कि क्लाइंट सर्वर को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन द सेंट्रलाइज सिस्टम। मतलब कि इसमें क्या, एक सर्वर होता है, देयर फोर वी कैन बैकअप द डाटा इजीली। मतलब पीयर टू पीयर में देखिए सर्वर नहीं होता था तो और सिस्टम बैकअप नहीं ले पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा सर्वर है उसके पास बैकअप की सुविधा है। अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ अ डेडिकेटेड सर्वर दैट इम्प्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम। मतलब कि सर्वर है, इस वजह से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ये बेहतर करता है, किसे पीयर टू पीयर से ये ज़्यादा बेटर है। देन सिक्योरिटी इज बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एज अ सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन द शेयर्ड रिसोर्सेज। मतलब कि ये जो है काफ़ी सुरक्षित है पहले से, और एक ही सर्वर के थ्रू सारे जो है हमारे रिसोर्सेज या कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। मतलब कि ये हमें शेयरिंग रिसोर्सेज को भी बढ़ाता है। देन हम यहाँ पर डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके हमारे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के क्या नुकसान है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव एज इट इज रिक्वायर्ड द सर्वर विद लार्ज मेमोरी। मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे सर्वर है तो फ़ायदा भी और नुकसान भी, फ़ायदा हम लोग पढ़ चुके हैं, नुकसान की बात करें तो ये क्या करता है, बहुत लार्ज मेमोरी लेता है, इस वजह से ये महंगा होता है। अ सर्वर हैज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट्स बट द कॉस्ट एनोज इज वेरी हाई। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, इसलिए क्या करता है, इसकी कॉस्ट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज ऑल रिसोर्सेज। मतलब कि वो एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है जो और सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को मैनेज करे। तो ये क्या हमारे डिसएडवांटेज थे। अब देखिए यहाँ पे ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है, मतलब कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे एक सर्वर दिया हुआ है, मतलब ये सर्वर और सारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, जो सारे क्लाइंट हैं वो सर्वर के साथ मिलकर काम करेंगे, जितना भी डेटा शेयरिंग होगा या एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे वो सर्वर के थ्रू ही यहाँ पर होगा। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर, मतलब कंप्यूटर कैसे काम करता है। एग्जांपल के लिए आपको बता दूँ, जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई डेटा चाहिए होता है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप गूगल करते हैं। जब आप गूगल करते हैं तो समझ लीजिए आप जो यूज़र है वो एज अ क्लाइंट समझ लीजिए और गूगल को सर्वर समझ लीजिए। तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ क्लाइंट काम करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, और जो सर्वर होता है मतलब गूगल होता है वो सबको एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ऐसा ही कुछ हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल भी यहाँ पे है।
तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।